हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एसआर कांतवा के यूनिट वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रोवाइड कराने वाला हूं और इस वीडियो में हम एग्रोनॉमी यूनिट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एग्रोनॉमी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज़ द हाईएस्ट कल्टिवेटेड एरिया इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट कल्टिवेटेड एरिया कौन सा क्रॉप का है, तो वो है वीट का। ठीक है, देन हम बात करें तो राइस इज ओरिजिनेटेड इन, तो राइस का ओरिजिन प्लेस कौन सा है, राइस का ओरिजिन प्लेस है इंडो बर्मा, जिसको हम साउथ ईस्ट एशिया के तौर पे भी देखते हैं। ठीक है, देन हम बात करें तो इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया इन द राइस कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड, विच इज़ अबाउट 45 मिलियन हेक्टेयर। तो भारत में जो राइस का कल्टीवेशन का एरिया लगभग कितना है, 45 मिलियन हेक्टेयर। देन हम बात करें तो प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस इज़ द हाइएस्ट है, तो भारत में राइस की जो प्रोडक्टिविटी है सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, वो है पंजाब में। द जीनस ओराइजा इंक्लूड्स, तो जो ओराइजा जीनस है जिसके अंतर्गत राइस आता है, उसमें कितनी स्पीसीज आती हैं, तो उसमें आती हैं 24 स्पीसीज टोटल आती हैं, जिसमें से कि वाइट हैं 22 जो स्पीसीज हैं वो वाइल्ड हैं और 2 स्पीसीज हैं क्या कल्टीवेटेड हैं। ठीक है, तो 2 कल्टीवेटेड कौन कौन सी है, एक तो है ओराइजा सटाइवा और एक है ओराइजा ग्लेबेरिमा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि द वेराइटीज विच बिलोंग टू स्पीसीज ओराइजा ग्लेबेरिमा आर फाउंड इन, तो जो ओराइजा ग्लेबेरिमा की जो स्पीसीज हैं उनको कल्टिवेशन कहाँ पर होता है, तो उनका कल्टिवेशन होता है अफ्रीका में। देन हम बात करें तो द राइस वेराइटीज ग्रोन इन इंडिया बिलोंग टू, अगर हम उसको जियोग्राफिकल बेस पे ओराइजा सेटाइवा का 3 तरह से क्लासिफिकेशन करें, तो एक होता है ओराइजा सेटाइवा इंडिका, दूसरा होता है ओराइजा सेटाइवा जैपोनिका और तीसरा होता है ओराइजा सेटाइवा जैवेनिका। तो जो इंडिका वाली होती है वो इंडियल क्षेत्रों में बोई जाती है, देन अपन बात करें जैपोनिका, जापान वाले क्षेत्रों में बोई जाती है, और जो जैवेनिका वाले जो रेस है वो कहाँ पर बोया जाता है, इंडोनेशियन क्षेत्र में बोया जाता है। राइस ग्रोन इन इंडोनेशिया बिलोंग टू द, तो ओराइजा सेटाइवा जो जैवेनिका है उसको कहाँ पर ग्रो किया जाता है, इसको किया जाता है इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में। देन हम बात करें तो नॉन ट्रेडिशनल एरिया ऑफ राइस कल्टीवेशन, तो भारत में नॉन ट्रेडिशनल एरियाज़ कौन कौन से हैं जहाँ पर राइस का कल्टीवेशन नहीं किया जाता। ठीक है, तो वो है मेनली अपन देखें तो पंजाब और हरियाणा। ठीक है, द राइस इन्फ्लोरेसेंस इज नाउन एज, तो राइस के इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम पेनिकल। देन हम बात करें तो द डीहल्ड राइस ग्रेन इज नाउन एज, तो डीहल्ड राइस ग्रेन को हम बोलते हैं ब्राउन राइस। देन इसके बाद हम बात करें तो राइस क्रॉप नीड, राइस क्रॉप को कैसा क्लाइमेट की ज़रूरत है, तो राइस क्रॉप को हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम बात करें तो फॉर रिपनिंग ऑफ राइस टेम्परेचर शुड लाइज बिटवीन 20 to 25 degrees Celsius। फोटो पीरियोडिकली राइस इज अ टाइप ऑफ प्लांट, तो जो अपन फोटो पीरियोडिकली तौर पे देखें तो राइस क्या है, शॉर्ट डे प्लांट है। अधिकांश अपन बात करें तो जो खरीफ प्लांट होते हैं वो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं। ठीक है, द सोइंग टाइम ऑफ आसू राइस, हाउस राइस, तो हाउस राइस का जो सोइंग टाइप क्या होता है, हाउस राइस को हम बोलते हैं प्री खरीफ। इसके बाद अमन आता है उसको बोलते हैं खरीफ, और देन हम बात करें तो बोरो राइस आता है उसको बोलते हैं पोस्ट खरीफ। तो इस तरह से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो आंसू वाले का सोइंग टाइम क्या होता है, मई से लेकर जून के बीच में होता है। देन हम बात करें तो जो सोइंग टाइम ऑफ बोरो या दलुआ राइस, इसका कब है, इसका होगा नवंबर से दिसंबर के बीच में। देन हम बात करें तो ऑप्टिमम पीएच ऑफ सॉइल फॉर राइस कल्टीवेशन वेरीज, तो जो राइस की कल्टीवेशन के लिए ऑप्टिमम पीएच कितना होता है, वो है 4 to 6 पीएच ऑप्टिमम कल्टीवेशन है राइस के लिए, और यही अपने टी के लिए भी यही पीएच की ज़रूरत पड़ती है। देन हम बात करें तो IR8 वेराइटीज़ ऑफ राइस इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम, तो जो IR8 वेराइटीज़ हैं नाम से ही पता चल रहा है, IR इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो फिलीपींस है वहाँ से बनाई गई थी वेराइटी, और इसको क्या बोलते हैं, मिरेकल राइस भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, फिलीपींस। देन हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी इज़ अ ड्वार्फ म्यूटेंट, तो जो जगन्नाथ जो वेराइटी है वो क्या है, ड्वार्फ म्यूटेंट है राइस की। देन हम बात करें तो द सीड रेट ऑफ राइस कल्टीवेशन इन ब्रॉडकास्टिंग एंड ड्रिलिंग मेथड रिस्पेक्टिवली, तो राइस का सीड रेट ब्रॉडकास्टिंग में रहता है 100 किलोग्राम के समथिंग, और जब हम बात करते हैं ड्रिलिंग मेथड में तो 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर रहता है। फॉर ट्रांसप्लांटिंग 1 हेक्टेयर एरिया ऑफ राइस, हाउ मच एरिया इज अ सफिशियंट फॉर नर्सरी राइजिंग, तो जब भी हम नर्सरी को राइज करते हैं तो ये बात ध्यान रखते हैं कि जितने एरिया में हमारे लिए ट्रांसप्लांटिंग करनी है उसके 10% एरिया में हम उसकी नर्सरी लगाते हैं। तो अगर हमारे लिए 1 हेक्टेयर में अगर नर्सरी लगानी है तो 1 हेक्टेयर में जी कितने स्क्वायर मीटर आता है, 1 हेक्टेयर में आता है 10,000 स्क्वायर मीटर, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 1,000 मीटर स्क्वायर, तो आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, 1,000 स्क्वायर मीटर।
देन हम बात करें तो डिपॉग मेथड ऑफ राइजिंग नर्सरी ऑफ राइस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम, तो जो डिपॉग मेथड थी वो कहाँ से इंट्रोड्यूस की गई थी भारत में, फिलीपींस से। देन हम बात करें तो इन बेड मेथड ऑफ नर्सरी राइजिंग सीडलिंग वुड बी रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग एट एन एज ऑफ, तो वो 20 से लेके 25 डेज में ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाती है। इन राइस डिपॉक सीडलिंग वुड बी रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग इन, अगर हम डिपॉक मेथड में अगर राइस की जो सीडलिंग की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो वो जनरली तेरह खेती तो 11 से लेकर 14 दिन में ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाती है। प्रोपोनल स्टेम F34 हर्बिसाइड शुड बी अप्लाइड इन राइस आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। सिक्स टू एट डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग द क्रैश अकर्स इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ ऑफ राइस, तो हम जब बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जो पढ़ते हैं डिसीज उसमें क्या बनते हैं क्रैश सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, तो ये क्या है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट BLV का ये वो है सिम्टम है। देन हम बात करें तो टंगरो वायरस ऑफ राइस इज अ ट्रांसमिटेड वायरस, तो जो अपन जो टंगरो वायरस देखते हैं राइस में देखने को मिलता है वो किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, तो ये ग्रीन लीफ हॉपर के द्वारा टंगरो वायरस ट्रांसमिट होता है। देन हम बात करें तो डेड हर्ट एंड वाइट हेड डैमेज टू राइस इज कॉज्ड बाय, तो डेड हर्ट एंड वाइट हेड ये किसके द्वारा बनते हैं, जब स्टेम बोरर किसी पर्टिकुलर जगह में स्टेम को कट कर देता है तो उसके कारण डेड हर्ट, और अगर जो इन्फ्लोरेसेंस को कट कर देगा तो उसमें वाइट ईयर भी देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये स्टेम बोरर द्वारा कॉज्ड किया जाता है। देन हम बात करें तो सिल्वरी सूट और ऑनियन लीफ सिम्टम ऑफ राइस टिलर इज अ कॉज्ड बाय, दी गॉलमिस्ट होती है ना वो क्या करती है राइस की जो सीप को होती है वो सिल्वरी सूट में कन्वर्ट कर देती है, ये जैसे ही ऑनियन की लीफ देखते हैं तो उस तरह से वो फूली फूली से अपने लिए नजर आती है, तो ये गॉलमिस्ट का सिम्टम है। देन हम बात करें तो ग्रासी स्टंट डिसीज ऑफ राइस इज ट्रांसमिटेड बाय, जो ब्राउन प्लांट हॉपर है वो क्या करता है ग्रासी स्टंट वायरस को क्या करता है ट्रांसमिट करता है। देन हम बात करें तो गंदी बग इंसेक्ट अटैक ऑन राइस ड्यूरिंग, तो गंदी बग क्या है मिल्किंग स्टेज पर राइस पे अटैक करता है। देन हम बात करें तो टेस्ट वेट ऑफ बासमती राइस, तो बासमती राइस का जो टेस्ट वेट है वो 21 ग्राम होता है, और अगर हम जो जनरल अगर वैराइटीज़ को देखें तो उनका 25 ग्राम होता है। ओराइजा सेटाइवा इज़ अ डिप्लॉयड स्पीसीज हैविंग क्रोमोसोम्स, तो ओराइजा सेटाइवा जो मतलब अपन राइस की बात करें तो राइस में क्रोमोसोम कितने होते हैं 24 क्रोमोसोम होते हैं। जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फिंग कैरेक्टर इन राइस, तो राइस में जो ड्वार्फिंग कैरेक्टर आता है वो कौन से जीन के कारण देखने को मिलता है, वो है अपना डीजीवो जीन। उसके बाद हम बात करें तो गोल्डन राइस इज अ रिच सोर्स ऑफ, तो गोल्डन राइस है वो किसका रिसोर्स है, तो वो है विटामिन ए का, ठीक है, बीटा कैरोटीन रिच। आइडिया ऑफ सुपर राइस वाज गिवन बाय, तो जो सुपर राइस का जो आइडिया था वो किसने दिया था GH खुश ने सुपर राइस का आइडिया दिया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर विथ इफेक्ट फ्रॉम, कब से इन्होंने फर्टिलाइजर पर सब्सिडी देना प्रारंभ किया था, नवंबर 1977 से। देन हम बात करें तो साइंटिफिक नेम ऑफ कॉमन ब्रेड वीट, देखो जो कॉमन ब्रेड वीट होती है उसका नाम होता है टिट्रिकम एस्टिवम, ठीक है, जिसको हम मैक्सिकन ड्वार वीट भी कहते हैं, बट अगर हम बात करें तो टिट्रिकम स्फेरोकोकम इसको हम बोलते हैं इंडियन ड्वार वीट। नीचे क्वेश्चन आ गया 39, तो इंडियन ड्वार वीट बिलोंग टू, तो इंडियन जो ड्वार वीट होती है उसको हम बोलते हैं टिट्रिकम स्फेरोकोकम। इसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्ट द पेयर विच इज़ अ नॉट करेक्टली मैच्ड, तो सबसे पहले हम देखते हैं थर्ड पे देखते हैं जो मार्कोनी वीट है उसको हम टिट्रिकम ड्यूरम बोलते हैं, मैक्सिकन वीट को टिट्रिकम एस्टिवम बोलते हैं, इंडियन ड्वार्फ वीट टिट्रिकम बल्गेरा ये गलत है डी ऑप्शन, और इमर वीट टिट्रिकम डियोकोकम तो ये भी सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, इंडियन ड्वार्फ वीट है टिट्रिकम स्फेरोकोकम। देन हम बात करें वीट इज ओरिजिनेटेड इन, तो वीट का ओरिजिन कहाँ पे हुआ है साउथ वेस्ट एशिया, वी से वीट और वी से ही ये साउथ वेस्ट, या अपन पर्टिकुलर अगर कंट्री देखें तो टर्की में हुआ है। कॉमन ब्रेड वीट 2N=42 इज ए हेक्साप्लॉइड, तो वीट में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं 42 होते हैं और वीट एक हेक्साप्लॉइड स्पीसीज है। देन हम बात करें तो ड्वार्फ वीट मैक्सिकन इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय, तो भारत में जो वीट का इंट्रोडक्शन किसने किया था तो वो किया था जो नॉर्मैनी बोरलॉग थे उन्होंने। देन हम बात करें तो मैक्सिमम एरिया अंडर वीट इज इन, तो मैक्सिमम एरिया वीट का कहाँ पे है इंडिया में। देन हम बात करें तो विच कंट्री रैंक सेकंड इन द वीट प्रोडक्शन, तो चाइना फर्स्ट रैंक पे आता है और इंडिया कौन सी रैंक पे आता है सेकंड रैंक पे आता है वीट प्रोडक्शन में। द फर्स्ट वीट वैरायटी हैविंग शॉर्ट प्लांट हाइट लॉजिंग रेजिस्टेंस एंड हाई ग्रेन यील्ड वाज, कौन सी ऐसी पहली वैरायटी थी जिसकी क्या थी ड्वार्फ थी और वो लॉजिंग रेजिस्टेंस थी, देन वो क्या थी हायर ग्रेन यील्ड थी उसकी, तो वो थी नॉरिन 10।
देन हम बात करें टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर प्रॉपर ग्रेन फिलिंग ऑफ वीट इज, तो वो है 23 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए वीट के लिए प्रॉपर ग्रेन फिलिंग के लिए। देन हम बात करें तो इन्फ्लोरोसेंस ऑफ वीट इज नाउन एज, तो जो वीट का इन्फ्लोरोसेंस होता है उसको हम एयर बोलते हैं। अगर हम सामान्य तौर पे देखें तो नॉर्मल जो वीट रहती है उसका सीड रेट कितना रहता है, 100 किलोग्राम रहता है। अगर हम उसको लेट स्विंग कर रहे हैं तो उसको 25 किलोग्राम उसमें बढ़ा देते हैं तो वो जाता है 125 किलोग्राम पर हेक्टेयर। वीट क्रॉप यील्डिंग 50 क्विंटल फॉर ग्रेन पर हेक्टेयर हर रिमूव्स नाइट्रोजन P2O5 एंड K2O किलोग्राम पर हेक्टेयर रिस्पेक्टिवली। तो कितना कितना वो रिमूव करता है, वो है 100 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 70 से 80 किलोग्राम पोटाश, देन 125 से लेकर 150 किलोग्राम K2O। देन हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो द रिकमेंडेड डोज ऑफ NPK फॉर वीट आर, तो वीट के लिए जो रिकमेंडेड डोज है NPK का वो कितना कितना है, वो है 120, 40 और 0। देन हम बात करें तो NPK कंटेंट ऑफ DAP में जो NPK रेशियो होता है वो कितना होता है, तो नाइट्रोजन देखें तो 18% करीब होती है। देन अपन बात करें P2O5 होता है 46% और K2O होता है करीब 0 के बराबर। देन बात करें तो द नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज़ एफिशिएंसी इन राइस कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग, तो हम जो राइस की फील्ड है उसमें नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी को कैसे बढ़ा सकते हैं, हम सल्फर कोटेड यूरिया का यूज़ कर लें, ठीक है, या यूरिया सुपर ग्रेन्यूल्स का यूज़ करके हम बढ़ा सकते हैं। देन हम बात करें तो ट्रिट्रिकेल 54 क्वेश्चन, ट्रिट्रिकेल सबसे पहले बनाया था किसने, रिम्पू ने बनाया था, किसके बीच में क्रॉस करवा के, वीट तथा राई के बीच में क्रॉस करके ने बनाया था। देन हम बात करें तो फेलेरस माइनर बिलोंग टू द फैमिली, फेलेरस माइनर कौन सी फैमिली में आता है, ये ग्रैमिनी कुल का सदस्य है जिसको हम गेहूं का मामा भी कहते हैं और ये से गिल्ली डंडा के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है, ग्रैमिनी फैमिली से ही संबंधित है। द नाइट्रोजन लॉसेज इन राइस कैन बी रिड्यूस्ड बाय द प्लेसिंग NH4 फर्टिलाइजर इन द, तो हम राइस की पडल्ड फील्ड के बारे में बात करते हैं तो उसमें दो जोन होते हैं, एक होता है कौन सा ऑक्सीडाइज जोन और एक होता है रिड्यूस जोन, ठीक है, जो ऑपर का जोन होता है उसमें ऑक्सीजन पाई जाती है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज जोन, और उसमें क्या होती है ऑक्सीजन नहीं पाई जाती इसको बोलते हैं रिड्यूस जोन। जब हम अमोनिकल फर्टिलाइजर को डाल रहे होते हैं तो हम कौन से जोन में डालते हैं, रिड्यूस जोन में डालते हैं, और जब हम नाइट्रेट फर्टिलाइजर को डाल रहे होते हैं तो उसको ऑक्सीडाइज फील्ड में डालते हैं। उसके पीछे क्या कारण है कि अगर हम इसको ऑक्सीडाइज फील्ड में डालेंगे नाइट्रेट फर्टिलाइजर को तो इसका ऑक्सीडेशन तो पहले से ही हो रहा है तो ये रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है, अगर बट अगर हम इसको इसमें डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और इसका फिर लॉस हो जाएगा। बट अगर हम इसको अमोनिकल फर्टिलाइजर को रिड्यूस जोन में डालते हैं तो इससे हमारे लिए फ़ायदा होगा कि इसका और ज़्यादा इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा और इसका लॉस नहीं होगा, तो ये इसके पीछे का कंसेप्ट है। तो जब भी हम अमोनिकल फर्टिलाइजर को डालते हैं तो रिड्यूस जोन में डालते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन हैज़ बीन मोस्ट सक्सेसफुल इन, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन सी क्रॉप के संबंध में सबसे ज़्यादा प्रभावी था, तो एक वीट थी अपनी और एक राइस थी, इन दोनों पर इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट किया था। रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन वाज इंश्योर्ड इन, तो अगर अपन अभी देखें तो 2021 में ही रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ करीब 304 मीट्रिक टन के समथिंग। देन हम बात करें तो अक्वाची डिसीज इन राइस इज ड्यू टू द टॉक्सिसिटी ऑफ, जो अक्वाची डिसीज है वो किसके कारण टॉक्सिसिटी कारण होता, तो H2S या हाइड्रोजन सल्फाइड के द्वारा यह डिसीज जनरली देखने को मिलता है। देन हम बात करें तो एट अ pH 4 द प्रीडोमिनेंट आयोनिक फॉर्म ऑफ द फॉस्फोरस प्रेजेंट इन H2PO4-, तो जो pH 4 है तो उस टाइम पे कौन सा फॉस्फोरस आयन जनरली प्रेजेंट होगा, तो वो होगा H2PO4-। देन हम बात करें तो फर्स्ट इरीगेशन टू द वीट क्रॉप शुड बी गिवन एट द, अगर गेहूं में अपन को पहला पानी देना है तो वो कौन सी स्टेज पे देंगे, वो देंगे CRI स्टेज पे, जो कि 21 दिन के बाद आती है, जिसे हम क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। देन हम बात करें तो फ्लेरस माइनर इन वीट कैन बी कंट्रोल्ड बाय, फ्लेरस माइनर को हम जनरली आइसोप्रोटोयूरिन के द्वारा वीट की फील्ड में कंट्रोल करते हैं, बट अगर कई जगह पे जो आइसोप्रोटोयूरिन के अगर प्रति इसमें रेजिस्टेंस हो कर रहा है फ्लेरस माइनर तो हम उस जगह सल्फोसल्फ्यूरिन का भी यूज़ कर सकते हैं। देन हम बात करें तो टेस्ट वेट ऑफ फ्लेरस माइनर कितना होता है, तो जो टेस्ट वेट होता है फ्लेरस माइनर का वो होता है 2 ग्राम, जबकि हम बात करें तो वीट का टेस्ट वेट करीब 40 ग्राम होता है। देन हम बात करें तो डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च DWR इज लोकेटेड एट, तो वीट रिसर्च का डायरेक्टरेट कहाँ पे, करनाल में। देन हम बात करें तो साइंटिफिक नेम ऑफ नोबल कैन, तो नोबल कैन का नाम क्या है, साइंटिफिक सैकेरम ऑफिसिनेरम। देन हम बात करें तो सैकेरम ऑफिसिनेरम इज अ नेटिव ऑफ, तो सैकेरम ऑफिसिनेरम का उत्पत्ति स्थल कौन सा है, न्यूगिनिया। देन हम बात करें तो विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ सुगर कैन, तो सुगर कैन की प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तमिलनाडु में। देन अगर बात करें हम प्रोडक्शन और एरिया कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो प्रोडक्शन और एरिया सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में।
देन हम इसके बाद करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट आर ऑफ परमानेंट टाइप ऑफ शुगर कैन ऑन शुगर कैन सेट्स। तो जो शुगर कैन के सेट्स होते हैं उनमें परमानेंट रूट्स कौन सी होती हैं, तो जो शूट रूट होती है ना वो भी परमानेंट रूट होती है। द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ शुगर कैन इज नाउन एज, तो जो शुगर कैन का इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको हम एरो कहते हैं। द बेस्ट सूटेड टेम्परेचर फॉर ग्रोथ ऑफ शुगर कैन लाइज बिटवीन, तो शुगर कैन के लिए बेस्ट टेम्परेचर कौन सा है, 26 से लेके 32 डिग्री सेल्सियस इसके लिए सबसे अच्छा टेम्परेचर रहता है। देन हम बात करें तो एक्रिप ऑन शुगर कैन वॉज स्टार्टेड इन, तो शुगर कैन पे एक्रिप कब स्टार्ट हुआ था, 1970 से लेके 1971 के बीच में। देन हम बात करें तो अधसाली जो शुगर कैन कब प्लांट किया जाता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये जुलाई से लेकर अगस्त के टाइम पे इसकी अपन प्लांटिंग करते हैं। देन हम बात करें तो द टॉप पोर्शन ऑफ शुगर कैन शुड बी सिलेक्टेड फॉर सीड पर्पज़ बिकॉज बड टिश्यूज आर रिच इन, तो जो हम शुगर कैन की बात करते हैं तो जब हम उसमें सीड पर्पज़ के लिए सिलेक्ट करते हैं तो कुछ ऊपरी सिराही ऊपरी पोर्शन उसका सेलेक्ट करते हैं। इसके पीछे क्या कारण है कि ऊपरी जो पोर्शन होता है उसमें ग्लूकोज का कंटेंट ज़्यादा होता है, इसलिए जब बड टिश्यूज रहते हैं वो क्या करते हैं जब प्रोपोगेशन के टाइम पे उसको फूड प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। देन हम बात करें तो विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर शुगर ट्रांसलोकेशन इन शुगर कैन, तो जब हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में तो जो शुगर ट्रांसलोकेशन से संबंधित कौन सा न्यूट्रिएंट है वो जनरली पोटेशियम होता है, ठीक है, बी ऑप्शन आएगा इसका 75 का। देन हम बात करें तो विच ग्रोथ स्टेज ऑफ शुगर कैन इज अ क्रिटिकल फॉर इरीगेशन, मतलब कि शुगर कैन की कैसी कौन सी अवस्था है जिसमें उसको पानी की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है, मतलब ये क्रिटिकल स्टेज है इरीगेशन के लिए, तो वो है ग्रांड ग्रोथ फेज। देन हम इसके बाद बात करते हैं तो मोस्ट क्रिटिकल वीट कॉम्पिटिशन पीरियड इज अप टू 4 months आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग एग्जिस्टिंग शुगर कैन, तो शुगर कैन में जो शुरू के 4 months होते हैं उसमें वीट के साथ सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है, इसके बाद जो वीट की प्रॉब्लम जनरली ज़्यादा देखने को नहीं मिलती शुगर कैन में। देन हम बात करें तो मोस्ट कॉमन हर्बिसाइड यूज फॉर द वीट कंट्रोल इन शुगर कैन, तो शुगर कैन में सामान्यतः यूज होने वाले जो वीट कौन कौन से वीडिसाइड कौन कौन से हैं, ये हर्बिसाइड कौन कौन से हैं, वो है सीमाजीन एट्राजीन और एलाक्लोर, जनरली तीनों का यूज़ किया जाता है। देन हम बात करें तो मोस्ट सीरियस डिजीज ऑफ शुगर कैन इज, तो जो रेड रॉट ऑफ शुगर कैन है जो कोलिटोट्राइकम फाल्केटम के द्वारा होता है वो सबसे ज़्यादा सीरियस डिजीज है शुगर कैन का, जिसमें कि क्या होता है रेड रॉट जो अपन उसको स्प्लिट करते हैं तो उसके अंदर लाल लाल वो दिखता है अपने लिए। देन अपन बात करें तो हाउ मैनी सेट्स आर नीडेड टू प्लांट 1 हेक्टेयर ऑफ शुगर कैन, मतलब कि 1 हेक्टेयर में अपने लिए शुगर कैन के वो प्लांटिंग करना है तो हमारे लिए कितने सेट्स की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमारे लिए जनरली जरूरत पड़ती है 35,000 से लेकर 40,000 सेट्स की आवश्यकता। देन हम बात करें तो ट्रेंच मेथड ऑफ शुगर कैन प्लांटिंग इज यूज फॉर, जब हम कोस्टल एरियाज होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या पानी बहुत ज़्यादा आता है और हवाएं बहुत ज़्यादा तेज चलती हैं, तो कोस्टल एरियाज में क्या किया जाता है, हवाओं के ज़्यादा तेज चलने के कारण इनमें क्या लगाता है शुगर कैन को ट्रेंच मेथड में लगाया जाता है, मतलब कि उसको सपोर्ट रहे, तो वो सब अगर ट्रेंच में नहीं लगाएंगे तो पूरा शुगर कैन आड़ा हो जाएगा, लॉजिंग हो जाएगी, इसलिए इसको हम कहाँ पर ट्रेंच में लगाते हैं जिससे कि इस पर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, तो ये कोस्टल एरियाज में जनरली यूज़ होती है ट्रेंच मेथड। देन हम बात करें विथ टू मच इंक्रीज इन नाइट्रोजन एप्लीकेशन शुगर कंटेंट इन जूस इज, हम जैसे जैसे नाइट्रोजन एप्लीकेशन बढ़ाते जाते हैं वैसे ही शुगर कैन में क्या होता है शुगर कंटेंट डिक्रीज़ होती जाती है, तो हम नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ा रहे हैं और शुगर कंटेंट क्या हो रही है डिक्रीज़ हो रही है। देन हम बात करें एप्रिकानिया जो पैरासिटॉइड है वो किसके लिए इफेक्टिवली है, तो वह है शुगर कैन जो पायरीला होता है पायरीला परपुसियाला, तो उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। देन हम बात करें अब क्वेश्चन नंबर 84 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेजिस्टेंस इज अ प्रेजेंट इन ए क्रॉप वेराइटीज शोइंग हाई डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस टू ए पैथोजन बट बिकमिंग ससेप्टिबल टू ए आफ्टर लार्ज स्केल कल्टिवेशन फॉर 4 to 5 years और सो, जब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में तो रेजिस्टेंस मेनली 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वर्टिकल रेजिस्टेंस और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। तो वर्टिकल रेजिस्टेंस में क्या होता है मेनली एक जो पैथोजन है या एक रेस है उसके प्रति में जो क्रॉप है वो ज़्यादा रेजिस्टेंस उकरती है, बट इसमें क्या होता है बहुत सारी जो रेसेस हैं उनके प्रति ये रेजिस्टेंस उकरती है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही ये क्रॉप आती है तो मार्केट में इसको बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन बढ़ते जाता है, उस पीरियड को बोलते हैं बूम पीरियड, एंड देन इसमें क्या होता है एकदम से जैसे कि इसके रेजिस्टेंस रेस जैसे ही बनेगा तो वो आ जाता है ब्रस्ट पीरियड, मतलब कि वो पूरी तरीके से गिर जाती है, ठीक है। तो ये जनरली वर्टिकल जो क्रॉप होती है उनमें देखने को मिलता है, मतलब एक पैथोजन के प्रति रेजिस्टेंस होगा, इसके कारण क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है, उसको बहुत लार्ज स्केल पे कल्टीवेशन होने लगता है और जैसे ही उसका कोई उसके प्रति रेजिस्टेंस वो आ गया, ठीक है, पैथोटाइप, तो वो क्या होगा
पैथोजन आ जाएगा तो वो एकदम से ससेप्टिबल हो जाएगी और पूरी जो क्रॉप है मतलब फेलियर पे एकदम से आ जाती है, ठीक है। तो ये हो जाता है जनरली देखने को मिलता है वर्टिकल रेजिस्टेंस में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड ग्रेन इज अ मोस्ट कोरस, तो सबसे ज़्यादा कोरस फूड ग्रेन कौन सा है, तो वो है अपना फॉस्फेलम स्क्रोबिकुलेटम, ठीक है, जिसे हम कोदो मिलेट भी बोलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ क्रॉप्स एंड क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरीगेशन इट आर नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सी स्टेज करेक्टली मैच्ड नहीं है उसकी इरीगेशन स्टेज के साथ। हम बाजरा में पढ़ें तो बाजरा में एयर हेड स्टेज सही है, देन हम बात करें तो कॉटन, कॉटन में प्री फ्लावरिंग स्टेज, वीट में क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, बट हम बात करते हैं तो ग्राउंडनट, ग्राउंडनट में ये पॉड डेवलपमेंट ये गलत दिया, ठीक है, पॉड डेवलपमेंट इसकी क्रिटिकल स्टेज नहीं है। देन हम बात करें तो कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्लैग लीफ इन द फोटोसिंथेसिस अबाउट, तो जब हम बात करते हैं फ्लैग लीफ क्या होती है, फ्लैग लीफ जैसे ये है तो इसके लास्ट में जो लीफ निकल रही है, जैसे ये इन्फ्लोरेसेंस लगा है, इसके लास्ट में जो लीफ निकलती है इसको बोलते हैं फ्लैग लीफ। सबसे ज़्यादा ये फोटोसिंथेसिस में कंट्रीब्यूट करती है, इसका कंट्रीब्यूशन होता है करीब 52%, और अगर हम बात करें जो एवेंस होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन होता है करीब 12%, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 52%। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज अ मोस्ट सेंसिटिव टू बोथ एक्सेस मॉइस्चर एंड रॉट, तो ऐसी कौन सी क्रॉप है जो कि अधिक पानी और कम पानी दोनों के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो वो है मेज, मक्का। एंड हम बात करें एट्राजीन यूज्ड एज अ एंटी ट्रांसपेरेंट, तो एट्राजीन है एक स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप का एंटी ट्रांसपेरेंट की तरह काम करता है, मतलब ये स्टोमेटा के जो क्लोज होना और उसके बंद होने को इफेक्ट करता है, ठीक है, अफेक्ट द क्लोजर एंड ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा। तो इसके बाद हम बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वीड एंड क्रॉप्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो कौन सा उसके साथ वीड उसकी क्रॉप के साथ करेक्टली मैच नहीं है। तो स्ट्राइगर जनरली देखें तो हम सोरगम हुआ है, इन्हीं क्रॉप्स में जनरली सोरगम शुगर कैन, ठीक है, इन क्रॉप्स में जनरली देखने को मिलता है। देन हम बात करें तो कास्कोटा, ये लूसर्न का बहुत इंपॉर्टेंट कौन सा है वीड हो जाता है। देन हम बात करें तो ओरोवैंगी, ये भी टोबैको का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन हम बात करें तो टाइफा, टाइफा और शुगर कैन का रिलेशन नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन इसमें। देन हम बात करें तो एट्राजीन इफेक्टिवली कंट्रोल ग्रासेज इन मेज फील्ड विदाउट कॉजिंग हार्म टू द क्रॉप प्लांट्स एज अ डिग्रेडेशन ऑफ द केमिकल इन मेज प्लांट अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो इसमें जो GSH एंजाइम होता है उसके कारण क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। देन हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो हर्बिसाइड, तो जो माइक्रो हर्बिसाइड है इनमें कौन सा है, देखो डाइक्वेट नहीं है, मेट सल्फ्यूरोन मिथाइल ये भी बायो हर्बिसाइड नहीं है, देन हम बात करें तो ब्रोम मसल ये भी बायो हर्बिसाइड नहीं है, तो जो कोलैगो है वो जनरली बायो हर्बिसाइड है, ठीक है, और ये इसको यूज अपन जनरली राइज में करते हैं। देन हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप रोटेशन इज द बेस्ट फॉर द मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी के लिए हम क्रॉप रोटेशन का यूज़ करते हैं, और क्रॉप रोटेशन में हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि एक अगर सीरियल क्रॉप बो रहे हैं तो उसके बाद हमको एक पल्स क्रॉप बो दें जिससे कि उसके जो क्रॉप है उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता रहे, तो इसके लिए हम बोते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, देखो मेज तोरिया वीट तो इसमें जनरली नहीं होगा, ठीक है, पैडी वीट काउपी ये भी नहीं होगा, देन पैडी पोटैटो ग्रीन ग्राम ये भी नहीं होगा, देन हम बात करें सोयाबीन, सोयाबीन के बाद बो दिया वीट, वीट के बाद ग्रीन ग्राम, तो इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होगी और इसमें पल्सेस भी हैं क्रॉप रोटेशन में। देन हम बात करें तो प्रोडक्टिविटी ऑफ इंटरक्रॉप पर यूनिट एरिया ऑफ अ ग्राउंड कंपेयर्ड विद दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम सोल क्रॉप सोन इन द सेम प्रोपोर्शन इज टर्म्ड एज, तो इसे बोलते हैं हम लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। देन हम बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर शेड्यूल इज रिकमेंडेड टू ऑप्टिमाइज द प्रोडक्टिविटी इन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम, इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में हम कौन से किस तरह से फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करें कि अधिक से अधिक उत्पादन अपने लिए मिल जाए। तो हम जब भी इंटरक्रॉपिंग करते हैं उसमें हमारा मेन फोकस ये होता है कि जो मेन क्रॉप है हम जो फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन डोज है उसी के अकॉर्डिंग दें, ठीक है, इंटरक्रॉप से हम जनरली इसको वो नहीं करते, ठीक है। देन हम बात करें तो द कैपेसिटी ऑफ ए सॉइल टू रजिस्ट अप्रिशिएबल चेंज इन पीएच वैल्यूज इज कॉल्ड, मतलब सॉइल में जो पीएच चेंज हो रहा है उसके प्रति क्या होती है, रेजिस्टेंस करने की क्षमता होती है, जिसको हम बोलते हैं बफरिंग कैपेसिटी। देन हम बात करें तो मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ सॉइल मेक यूज ऑफ, तो जो हम मैकेनिकल एनालिसिस कर रहे होते हैं सॉइल का तो हम उस टाइम पे किसका यूज़ करते हैं, तो हम जब स्टॉक का लो है उसका जनरली यूज़ करते हैं मैकेनिकल एनालिसिस में सॉइल की। देन हम बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांटिंग जियोमेट्री इज रिकमेंडेड टू ऑप्टिमाइज सिस्टम प्रोडक्टिविटी इन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम इन सेमी एरिड एंड सब ह्यूमिड इकोसिस्टम, तो जब हम बात करते हैं सेमी एरिड और सब ह्यूमिड एरियाज़ की तो हम उनमें इंटरक्रॉपिंग किस तरह से करते हैं, ये क्वेश्चन है।
तो जब भी हम सेमी एरिड एरियाज़ की बात करते हैं, वहाँ पे क्या होता है, जो अपना मॉइस्चर है, मॉइस्चर की जनरली कमी देखी जाती है, ठीक है। तो मॉइस्चर की कमी होने के कारण इस जगह पे हम करते हैं स्किप रो प्लांटिंग, मतलब कि एक रो छोड़ के जनरली प्लांटिंग करते हैं, ठीक है। यह रो को स्किप कर करके प्लांटिंग करते हैं, जिससे कि पर्टिकुलर प्लांट को जो वाटर है उसकी अवेलेबिलिटी टाइम टू टाइम मिलती रहे। देन हम बात करें तो जो ह्यूमस की बात करते हैं, तो उसमें ह्यूमिक एसिड एक फ्रैक्शन होता है इसका, ठीक है। तो जो ह्यूमिक एसिड फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, एल्केलाइन मीडियम में तो सॉल्युबल होता है, बट जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है उसमें क्या, ये सॉल्युबल नहीं होता, इनसॉल्युबल इन एल्कली मीडियम। देन हम बात करें द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ वन एटम बाय अनदर एटम और सिमिलर साइज इन ए क्रिस्टल लैटिस ऑफ ए सॉलिड क्ले विथाउट डिसरप्टिंग और चेंजिंग द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द मिनरल इज टर्म्ड एज, तो इसको बोलते हैं आइसोमॉर्फिक सब्सिट्यूशन, मतलब कि उसमें क्या हो रहा है, सब्सिट्यूशन हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्वेंस इज अ बींग यूज इन अ कॉम्बिनेशन सीड ट्रीटमेंट, तो जब हम भी सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं कि उसमें हम पर्टिकुलर किस के बाद किसका एप्लीकेशन देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको अगर एक सीक्वेंस के तौर पे देखो तो आप FIR के तौर पे भी इसको याद कर सकते हो। सबसे पहले हम फंगिसाइड देंगे, देन हम देंगे इंसेक्टिसाइड देंगे, और सबसे लास्ट में देते हैं राइजोबियम। अगर हम पहले देंगे तो वो क्या हो सकता है, ये फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड उसको हार्मफुल इफेक्ट पहुँचा सकते हैं, ठीक है। तो ये जनरली दिया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेप रस्ट ऑफ वीट, तो जो येलो रस्ट होती है वीट में, मैंने तीन तरह की रस्ट होती है, एक होती है ब्लैक रस्ट ऑफ वीट, दूसरी होती है ब्राउन रस्ट ऑफ वीट, और तीसरी होती है येलो रस्ट। तो जो येलो रस्ट होती है उसी को हम बोलते हैं स्ट्रिप रस्ट। तो इसमें क्या होते हैं, येलो कलर के बनते हैं, येलो स्मॉल स्फेरिकल टू ओवल रप्चर ओरिडो पॉस्चर्स इन अ रो ऑफ लीव्स, तो ये पत्तियों में रो के तौर पर बनते हैं। तो ये क्वेश्चन भी 2020 में पूछा था JRM में। देन बात करें तो कंसिडर ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ क्रॉप्स एंड वेराइटीज एंड सेलेक्ट द पेयर विच इज़ अ नॉट करेक्टली मैच, तो जब हम बात करते हैं UPAS 120 की, तो ये UPAS 120 है पिजन पी की वैरायटीज़, तो ये डी ऑप्शन ही गलत दिया है। एंड हम बात करें तो काउपी की जो वैरायटी है पूसा फाल्गुनी, ये सही है। एंड कॉटन की वैरायटी सुजाता, ये भी सही है। और बारलो की वैरायटी जो क्लीपर है वो भी सही है। तो ये डी ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि ये UPAS 120 ये किसकी वैरायटी है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन की वैरायटी है अरहर की। देन अब हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडियल टेम्परेचर रेंज फॉर द टिलरिंग स्टेज इन वीट, तो वीट में टिलरिंग के लिए सबसे आइडियल टेम्परेचर कितना होता है, 16 से लेके 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टिलरिंग के लिए सबसे अच्छा रहता है। देन हम बात करें द एलिमेंट विच डज नॉट एंटर इनटू द परमानेंट ऑर्गेनिक कॉम्बिनेशन इन प्लांट्स, तो ठीक है, जो पोटेशियम होता है वो क्या करता है, परमानेंट ऑर्गेनिक कॉम्बिनेशन को प्लांट के साथ एंटर नहीं करता, ये जनरली आयनिक बैलेंस में से संबंधित रहता है। देन हम बात करें द प्लेट्यू विथ अ लिटिल ग्रोथ रेट एंड द कंटिन्यूइंग अकोमोलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट इन द प्लांट कैन बी डिफाइंड एज द, तो इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, सफिशियंसी रेंज में हम इसको डिफाइन करेंगे, क्योंकि उसमें क्या होगा, लिटिल ग्रोथ रेट हो रही है, ठीक है, और उसमें क्या होगा, न्यूट्रिएंट का एकोमोलेशन हो रहा है। देन हम बात करें तो द मेजर ऑर्गेनिक सीमेंटिंग एजेंट इन द सॉइल एग्रीगेट फॉर्मेशन इज, तो सॉइल एग्रीगेट में जो सीमेंटिंग एजेंट की तरह काम करता है, मतलब जो सॉइल एग्रीगेट को चिपकाने का काम करता है, वो जनरली होता है पॉलीसैक्राइड, ठीक है, जो अपने माइक्रोबियल डिफरेंट माइक्रोब्स होते हैं उनके द्वारा जैसे सीक्रेट किया जाता है, प्लांट की जो जड़ वगैरह होती है उनके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, तो वो भी इनमें सहायता करता है, ठीक है। हम बात करें तो टेट्राजोलियम टेस्ट इज़ अ यूज टू डिटरमाइन, तो जो टेट्राजोलियम टेस्ट है वो किसके लिए यूज किया जाता है, तो जो TZ टेस्ट है वो जनरली सीड वायबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें फार्माजोन बनता है, ठीक है, पिंक कलर का। देन बनते हैं हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ट्रू पोटैटो सीड इज रिक्वायर्ड फॉर द 1 हेक्टेयर प्लांटिंग, तो जो ट्रू पोटैटो सीड होते हैं जिनको अपन TPS भी बोलते हैं, उसके इस मेथड को डेवलप किया था पुष्कर नाथ ने एफिड अटैक से बचाने के लिए, ठीक है, जो डिफरेंट वायरल डिसीजेज में देखने को मिलते हैं, पोटी वाई एक्स पोटी बाय जो, ठीक है, उनके द्वारा। तो इसमें कितने सीड की अपने लिए ज़रूरत पड़ती है, जनरली 1 हेक्टेयर में 100 ग्राम सीड की अपने लिए ज़रूरत पड़ती है। देन अपन बात करें द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मॉथवीन इन इंडिया, तो भारत में सबसे ज़्यादा मॉथवीन का प्रोडक्शन कौन से स्टेट में होता है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है मॉथवीन का। देन इसके बाद हम देखते हैं तो सीड रेट ऑफ सीसमम, सीसमम का सीड रेट कितना होता है, 3 से 4 किलोग्राम अपन जनरली सीसमम का सीड रेट रख लें। देन अपन बात करें तो हाइएस्ट प्रोडक्शन ऑफ मस्टर्ड एंड इंडिया
इज इन द स्टेट ऑफ, तो भारत में सबसे ज़्यादा मस्टर्ड का उत्पादन कौन से राज्य में होता है, तो ये होता है राजस्थान में। देन बात करें द फ्रूट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड इज नाउन एज, तो मस्टर्ड और रेपसीड का जो फ्रूट होता है उसको हम सिलिकुआ बोलते हैं जनरली, जो ब्रैसिका फैमिली का ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। देन बात करें द इनहेरिट कैपेसिटी ऑफ ए सॉइल टू सप्लाई प्लांट न्यूट्रिएंट इन एडिक्वेट अमाउंट एंड सूटेबल प्रोपोर्शन इज अ कॉल्ड, तो सॉइल की वह क्षमता कि वो प्लांट को पर्टिकुलर अमाउंट में न्यूट्रिएंट सप्लाई करती रहे, इस क्षमता को बोलते हैं हम सॉइल फर्टिलिटी। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका 114 का। देन हम बात करें द क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट इन प्लांट वाज गिवन बाय, तो प्लांट में जो क्राइटेरिया थे तीन एसेंशियलिटी के, वो जनरली किसने दिए थे, वो दिए थे आर्नोंड एंड स्टाउट ने, ठीक है। मतलब कि वो उसकी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होना चाहिए, उसे कोई दूसरा जो पदार्थ वो उसको रिप्लेस ना कर सके, ठीक है, ये उसके तीन थे। देन हम बात करें तो पोटैटोज है, पोटैटो क्या है, पोटैटो एक मॉडिफाइड स्टेम है जिसको हम यूज़ करते हैं। देन हम बात करें द मेथड ऑफ इरीगेशन एम्प्लॉयड वेयर सरफेस देन अंडुलेटिंग इज, तो जहाँ पे अंडुलेटिंग एरिया होता है मतलब कि उबड़ खाबड़ एरिया जहाँ पे होता है वहाँ पे हम जनरली कौन सा स्प्रिंकलर इरीगेशन करते हैं बारह विधि द्वारा, इससे कि क्या हो पूरी फील्ड को ईजिली हम इरीगेट कर सकें। देन हम बात करें तो डीप्थ ऑफ सोइंग ऑफ बाजरा, तो बाजरे का क्या होता है, देखो जब बड़ा सीड होगा तो उसको सॉइल के अंदर अपन सोइंग करेंगे, और अगर छोटा सीड है छोटे आकार का तो उसको हम जनरली क्या करते हैं कि कम गहराई पे बोते हैं, क्योंकि उसको ईजिली पानी मिल सके और ये सब मिल सके, ठीक है, और उसको ज़्यादा फोर्स ना लगाने पड़े। अगर देखो उसको छोटा सीड है तो उसमें वो कम प्रेशर प्रोड्यूस कर पाएगा सॉइल से बाहर निकलने के लिए, तो वो क्या सॉइल के अंदर ही दबा रह जाएगा और उसमें सीडलिंग नहीं होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो छोटे सीड होते हैं उनके लिए डीप्थ ऑफ सोइंग कम रखते हैं, तो इसके लिए जनरली कितनी होती है बाजरा में 1 से 2 सेंटीमीटर रखते हैं। देन हम बात करें विच इज़ अ जनरली यूज्ड फॉर करेक्टिंग सॉइल एसिडिटी, तो देखो हम बात करते हैं तो लाइम क्या होता है अपना, लाइम होता है क्षारीय, तो क्षारीय का यूज़ किया जाएगा एसिडिक सॉइल में, तो हम जो एसिडिक सॉइल है उनमें जनरली हम लाइम का एप्लीकेशन करते हैं। देन हम बात करें तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोइंग ए कैच क्रॉप इज, कैच क्रॉप का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, एडिशनल इनकम अपने लिए लेना विदाउट फर्दर इन्वेस्टमेंट, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन इसका। देन हम बात करें तो बायूरेट कंटेंट, देखो जो अपन यूरिया एप्लीकेशन करते हैं तो उसमें हमें ध्यान रखा जाता है कि जो बायूरेट कंटेंट कम से कम हो, क्योंकि जब यूरिया का एकदम ज़्यादा 170 डिग्री सेल्सियस के करीब अपन गर्म कर देते हैं तो उसमें क्या हो जाता है बायूरेट बन जाता है, ठीक है, तो इसको करीब जो यूरिया है उसमें 1.5% से इसको ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसको एप्लीकेशन अपन नहीं कर सकते। देन अपन देखें तो बंड फॉर्मर इज़ ए यूज फॉर मेकिंग, तो जो बंड फॉर्मर होता है वो जनरली किसके यूज़ किया जाता है, रिजेस बनाने में होता है। तो देन अपन देखो ये फील्ड है अपनी, इसमें ये इस तरह से ये जो बनते हैं इनको बोलते हैं फरोज, और जो ऊपर की तरफ बनते हैं इनको बोलते हैं रिजेस, ठीक है, तो जो रिजेस बनाने में किसका यूज़ होता है, बाउंड फार्मर का यूज़ किया जाता है। देन अपन बात करें द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाइंड्स द मॉलिक्यूल ऑफ द सेम काइंड, अगर देखो दो मॉलिक्यूल सेम हैं जैसे कि H2O और H2O है, इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, इनके बीच में लगेगा कोहेंसन फोर्स, ठीक है, सेम है तो कौन सा लगेगा कोहेंसन, और जैसे कि एक H2O मॉलिक्यूल है और दूसरा कौन सा है जो प्लांट की वेसल वगैरह हुई या दूसरा कोई मटेरियल हो गया तो उसमें लगेगा कौन सा एडहेंसन फोर्स, ठीक है, सेम है सेम मॉलिक्यूल्स हैं तो कोहेंसन लगेगा, और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं तो कौन सा लगेगा एडहेंसन फोर्स लगेगा, ये हमें से याद रखना। देन बात करें तो अपर लिमिट ऑफ द सॉइल मॉइस्चर अवेलेबल फॉर द प्लांट ग्रोथ इज ए, तो वो कौन सी है, फील्ड कैपेसिटी अपर लिमिट है वाटर अवेलेबिलिटी के लिए प्लांट के लिए। देन हम बात करें तो ए डिवाइस फॉर मेजरिंग परकुलेशन एंड लीचिंग लॉसेस फ्रॉम ए कॉलम ऑफ अ सॉइल अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन इज अ नाउन एज ए, देखो परकुलेशन लॉसेज और जो लीचिंग लॉसेज होते हैं उनको अपन किस डिवाइस से जनरली मेजर करते हैं, वो है अपना लाइसीमीटर। देन हम बात करें एक कैलिब्रेटेड डिवाइस फॉर मेजरिंग द फ्लो ऑफ वाटर इन ओपन कंडेट इज नाउन एज, तो जो पार्सल फ्लूम होता है जनरली हम उसका यूज़ करते हैं, ठीक है, अगर ओपन प्लेस है तो उसमें। देन हम बात करें तो द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग डेप्थ ऑफ वाटर टेबल इज नाउन एज, तो वाटर टेबल को मेजर करने के लिए हम जो पीजोमीटर होता है जनरली उसका यूज़ करते हैं, जो 27 का सी ऑप्शन। देन हम बात करें तो सीड रेट ऑफ हाइब्रिड मेज, हाइब्रिड मेज का जो हम सीड रेट लगते हैं वो लगते हैं 20 से 25 किलोग्राम, जबकि इस कंपोजिट और सिंथेटिक वेराइटी के करीब लगते हैं 18 से 20 किलोग्राम। देन हम बात करें तो बॉटेनिकल नेम क्या है रागी का, तो रागी का जो बॉटेनिकल नेम है वो है एल्यूसिना कोरकाना। देन हम बात करें तो द मोस्ट सीरियस पेस्ट ऑफ बंगाल ग्राम, तो बंगाल ग्राम का सबसे सीरियस पेस्ट कौन था, पोडबोरर, मतलब फली छेदक फली भेदक
पॉडबोरा जिसका नाम है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। द ऑयल एंड प्रोटीन कंटेंट ऑफ द ग्राउंडनट, जो ग्राउंडनट मूंगफली होती है उसमें ऑयल कंटेंट कितना होता है, तो उसमें ऑयल कंटेंट करीब होता है 26% और जो प्रोटीन कंटेंट होता है 45% होता है। देन हम बात करें राइजिंग ऑफ ए क्रॉप विद द लीस्ट टेलेज ऑपरेशन इज नाउन एज, देखो जब हम टेलेज कर ही नहीं रहे तो उसे बोलेंगे जीरो टेलेज अगर हम, ठीक है। देन हम बात करें तो मिनिमम टेलेज में क्या करते हैं, मिनिमम टेलेज में हम बहुत कम से कम टेलेज ऑपरेशंस करते हैं क्रॉप लेने के लिए, ठीक है। तो जनरली जो मिनिमम टेलेज है ये मॉडर्न अप्रोच है टेलेज का। देन हम बात करें फॉर विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर इंडिया इज अ फुल्ली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स, तो मतलब अगर हम देखें तो यूरिया वगैरह तो भारत में 85% बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम बात करें तो पोटेशियम फर्टिलाइजर जो होते हैं उनको हम पूरी तरीके से विदेशों से आयात करते हैं, क्योंकि भारत में इसके जो स्रोत नहीं है, भंडारण नहीं है, खनिज भंडारण, तो इस कारण इसको मेनली हम क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं दूसरे देशों से, जैसे कि कनाडा वगैरह ये कंट्रीज हैं, ये मेनली इम्पोर्ट इन देशों से अपन इम्पोर्ट करते हैं। देन हम बात करें नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी एम द ग्रोथ रेट ऑफ, तो जो नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी आई थी उसके अकॉर्डिंग करीब एग्रीकल्चर सेक्टर की जो ग्रोथ है वो 4% से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। देन हम बात करें विच इज़ द लीडिंग स्टेट इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्राउंडनट, तो ग्राउंडनट का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से राज्य में होता है, वो होता है गुजरात में, ठीक है, जूनागढ़ सबसे पहले यहाँ पे। देन हम बात करें तो रिमोट सेंसिंग हेल्प इन द स्टडिंग, तो रिमोट सेंसिंग से अपने लिए क्या क्या मदद मिलती है, तो सबसे पहले हम मेज़र कर सकते हैं क्रॉप एरिया कितना है। देन हम बात करते हैं सॉइल के कैरेक्टर्स को भी मेज़र कर सकते हैं, और इसके बाद हम बात करें तो अंडरग्राउंड जो वाटर है उसको भी हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। देन हम बात करें तो सनफ्लावर एक्ट एज एन इंडिकेटर प्लांट टू द डायग्नोसिस द डिफिशियंसी ऑफ, सनफ्लावर कौन से जो न्यूट्रिएंट है उसके डिफिशियंसीज को डायग्नोसिस करने में अपने लिए हेल्पफुल होता है, तो वो है अपना बोरॉन जनरली, ठीक है। देन हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट, तो हम देखें तो जो कार्बन को हम फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट की तरह हम नहीं मानते हैं, देखो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होता है, देन सल्फर फर्टिलाइजर, जिंक भी अपन जिंक फास्फेट वगैरह अप्लाई करते हैं, तो अपन जो ऑप्शन आ जाएगा वही हो जाएगा। देन अपन बात करें द टाइप ऑफ जर्मिनेशन इन मूंग बीन इज नाउन एज, तो मूंग बीन में किस तरह का जर्मिनेशन देखने को मिलता है, तो मूंग बीन में देखने को मिलता है एपीजियल जो जर्मिनेशन होता है, मतलब कि जो सीड होगा वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, सोइल के साथ। देन हम बात करें तो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सोयाबीन, सोयाबीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है, तो राइजोबियम जैपोनिकम। देन हम बात करें सेसिमम बिलोंग टू द फैमिली, सेसिमम की कौन सी फैमिली में आता है, तो वो आता है पेडिलियसी फैमिली में। देन हम बात करें फ्लू क्लोरेलिन कैन बी यूज इन सोयाबीन एज, तो जब हम सोयाबीन में फ्लू क्लोरेलिन को अप्लाई कर रहे होते हैं तो हमको पता होना चाहिए किस स्टेज का ये अपना हर्बिसाइड है, तो ये है अपना प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन में जनरली इसका अपन यूज़ करते हैं। देन हम बात करें तो टॉपिंग ऑफ सनफ्लावर प्लांट इज़ अ बेनिफिशियल टू प्रमोट ब्रांचिंग एंड फ्लावरिंग, तो जो अपन सनफ्लावर में टॉपिंग की प्रोसेस की जाती है वो क्या करता है, ब्रांचिंग को प्रमोट करता है। देन हम बात करें डीलिंटिंग ऑफ कॉटन सीड में भी डन विथ, तो जब हम कॉटन में डीलिंटिंग कर रहे होते हैं तो हम किसके द्वारा करते हैं, तो जनरली हम सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं H2SO4 का। देन हम बात करें ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन पर हेक्टेयर ऑफ द कॉटन हैज़ एस्टिमेटेड एज, तो कॉटन में पर हेक्टेयर कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, तो 50,000 से लेकर 80,000 प्लांट ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन है कॉटन कल्टीवेशन के लिए। देन हम बात करें तो द इंसेक्ट बॉलवर्म इज कॉमनली फाउंड, तो देखो पिंक बॉलवर्म हुआ, ठीक है, अमेरिकन बॉलवर्म हुआ, ये स्पॉटेड बॉलवर्म हुआ, तो ये सभी किस में पाए जाते हैं, कॉटन की क्रॉप पर देखने को मिलते हैं। देन बात करें स्टोमेटा क्लोजिंग कैन बी इंड्यूस्ड बाय, तो जो PMA है फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, ये क्या है, स्टोमेटा क्लोज करने वाला एक एंटी ट्रांसपेरेंट है। देन केओलिन कैसा है, रिफ्लेक्टिंग टाइप का है। देन हम बात करें द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ मेज फॉर इरीगेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जब हम मेज की बात करते हैं तो उसमें कौन सी ऐसी अवस्था जहाँ पे पानी की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है, क्रिटिकल अवस्था है, वो है टेसलिंग स्टेज। देन हम बात करें रिलेशनशिप बिटवीन वाटर एंड फर्टिलाइजर एज अ प्रोडक्शन फैक्टर इन ए क्रॉप इज, जब हम पानी और फर्टिलाइजर का रिलेशनशिप देखें प्रोडक्शन फैक्टर के तौर पर, तो ये दोनों एक दूसरे में कैसे सिनर्जेटिक तौर पर संबंधित हैं। देन हम बात करें ग्रोइंग ऑफ कोकोनट ब्लैक पेपर एंड जिंजर साइमल्टेनियसली इन द फील्ड इज कॉल्ड एज अ मल्टी स्टेरॉइड क्रॉपिंग, तो मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग में क्या होता है, इसमें हम डिफरेंट हाइट्स के प्लांट को ग्रो करते हैं, ठीक है, जिससे कि जो अपने लिए लाइट है वो प्रॉपर प्राप्त हो सके, ठीक है, और शेडिंग इफेक्ट प्लांट पे कम से कम हो, ठीक है। ये होता है कौन सा अपना मल्टी स्टोरेज, मतलब कि डिफरेंट हाइट वाले प्लांट्स को एक ही टाइम पे फील्ड में लगाना,
तो जैसे कि ये होगा कोकोनट हो गया, ये होगा अपना पेपर हो गया, देन अपना ये होगा कौन सा जिंजर वन, तो ये होगा कौन सा मल्टी स्टेरॉइड क्रॉपिंग। देन अपन बात करें स्टीवेंसन स्क्रीन एज रिलेटेड टू, तो स्टीवेंसन स्क्रीन जो सनशाइन रिकॉर्डर होता है उसको अपन जनरली एग्रोमेट्रोलॉजी में यूज़ करते हैं, तो ये 151 का सी आंसर हो जाएगा। देन हम बात करें तो बॉटेनिकल नेम ऑफ सेवन ग्रास इज ए, तो जो सेवन ग्रास है उसका बॉटेनिकल नेम क्या है, तो उसका नाम है लेजुरस सैंडिकस। देन हम बात करें RMO40 किसकी वैरायटी है, तो RMO40 है मॉथबीन की। इसके बाद बात करें तो अमंगेस्ट ऑयल केक द हाईएस्ट नाइट्रोजन कंटेंट इन, तो जो ग्राउंडनट केक होता है उसमें करीब 7.3 से लेकर 7.6% तक नाइट्रोजन कंटेंट पाया जाता है, तो ये जितने भी ऑयल केक हैं उनमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन कंटेंट इसी में होता है ग्राउंडनट केक में। देन हम बात करें तो टर्म एवरग्रीन रिवॉल्यूशन हैज़ बीन गिवन बाय, तो जो एवरग्रीन रिवॉल्यूशन जो टर्म थी वो किसने दी थी, जो MS स्वामीनाथन जी थे उन्होंने ये दी थी। देन हम बात करें तो अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन का आया तो ग्रीन रिवॉल्यूशन किसने दिया था, वो दिया था विलियम गर्ड ने। देन हम बात करें तो मैक्सिमम रेजिडुअल एसिडिटी इज एसोसिएटेड विद द कंटिन्यूस सॉइल एप्लीकेशन ऑफ अमोनियम सल्फेट के कारण क्या होगी, मैक्सिमम रेजिडुअल एसिडिटी देखने को मिलेगी क्योंकि उसमें सल्फेट होगा तो वो H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। देन हम बात करें द क्वांटिटी ऑफ SSP 16% P2O5 रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन टू 1 acre ऑफ राइस फील्ड एट द डोज ऑफ 60 kg P2O5 पर हेक्टेयर इज, तो ये क्वेश्चन है द क्वांटिटी ऑफ SSP रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन टू 1 acre ऑफ राइस फील्ड एट अ डोज ऑफ 60 kg P2O5 पर हेक्टेयर इज। इस क्वेश्चन को हम कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे, देखो जो 16 kg कितने से P2O5 मिलेगा अपने लिए, 100 kg जब अपन एप्लीकेशन करेंगे SSP का, ठीक है, तो हमको चाहिए 60 kg चाहिए, ठीक है, तो 60 kg के लिए x की वैल्यू निकाल लेंगे पहले, तो ये हो जाएगा x = 6000/16, तो इसकी वैल्यू करीब आएगी 375 के समथिंग। देन जो 375 वैल्यू आई है वो किसके लिए आई है, 1 hectare के लिए आई है, ठीक है, तो हमारे लिए अप्लाई करना है कितने पे, 1 acre पे, तो 1 hectare = 2.45, ठीक है, तो इसको हम जब इससे करेंगे तो अपना आंसर आएगा करीब 150 kg, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोटेंशियल कंटामिनेंट ऑफ द फूड प्रोड्यूस्ड ऑन ए सीवेज स्लज्ड एमेंडेड सॉइल इज, जो अपन सीवेज ट्रीटमेंट वगैरह से जो पानी आता है, ठीक है, उसके द्वारा जब अपन जो प्रोड्यूस करते हैं उसके द्वारा फूड मटेरियल्स, तो उसमें सबसे ज़्यादा किसकी वो होती है, तो जो कैडमियम आयन होता है उसकी सबसे ज़्यादा अपने लिए समस्या देखने को मिलती है। देन हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल वॉल इन द प्लांट, ठीक है, तो सेल वॉल बनी होती है प्लांट में वो किसकी बनी होती है, उसमें जो कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट रहता है उसके द्वारा मिडिल लैमिना बनती रहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट मिडिल लैमिना, जो कि दो सेल की प्राइमरी सेल वॉल को जोड़ने का काम करती है। देन हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन इज इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन, तो जो न्यूट्रिएंट के मोबिलाइजेशन में कौन सा फाइटो हार्मोन इन्वॉल्व होता है, तो ये होगा जनरली ऑक्सिन है, वो क्या होगा न्यूट्रिएंट के मोबिलाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। देन हम बात करें हैवी एप्लीकेशंस ऑफ पोटेशियम फर्टिलाइजर ऑफन लीड टू द रिड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन ऑफ, मतलब हम पोटेशियम का अगर ज़्यादा एप्लीकेशन कर देंगे तो कौन से आयन है उनका कम एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा, तो वो है अपने जिंक और कॉपर का जनरली क्या होता है, ये पोटेशियम के एंटागोनिस्टिक चलते हैं, मतलब पोटेशियम बढ़ेगा तो ये कम हो जाएंगे। देन बात करें तो इफ़ ए प्लांट शोज एक्सटेंसिव इंटरवेनल क्लोरोसिस ऑफ द ओल्डर लीव्स एंड अ लेट दिस रीचेज द यंगर लीव्स द सिम्टम इज अ ड्यू टू द लैक ऑफ, तो ये जनरली किसकी कमी से देखेंगे, तो मैग्नीशियम की कमी से देखेंगे इंटरवेनल क्लोरोसिस, ठीक है, ओल्डर लीव्स में। देन हम बात करें फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट की इज ए केमिकल यूज इन एग्रीकल्चरल क्रॉप्स इन ऑर्डर टू, तो ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, जनरली ये ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने में काम आता है, ये एंटी ट्रांसपेरेंट होता है PM फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, जो कि एक स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप का
एंटी ट्रांसपेरेंट है। देन हम बात करें तो वाटर रिक्वायरमेंट इंक्लूड द लॉसेज ड्यू टू द, तो वाटर रिक्वायरमेंट कौन कौन सी इसमें यूज़ की जाएंगी, तो कंजप्टिव यूज़, वाटर रिक्वायर्ड फॉर द स्पेशल ऑपरेशंस एंड अदर इकोनॉमिकल अनअवॉइडेबल लॉसेज ऑफ द वाटर। तो जब हम कंजप्टिव जब वाटर रिक्वायरमेंट की यूज़ करते हैं WR में कंजप्टिव यूज़ भी आ जाता है। कंजप्टिव यूज़ में कौन कौन से, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस में जो यूज़ होता है, जब हम प्लांट एब्जॉर्ब करता है, जैसे प्लांट ने जो टोटल एब्जॉर्ब किया 100%, तो उसमें से 1% ही उसकी क्या मेटाबॉलिक जो काम होते हैं एक्टिविटीज़ उनमें यूज़ होता है, बाकी जो 99% जो वाटर है वो क्या हो जाता है, लॉसेस हो जाता है, जैसे कि ट्रांसपिरेशन हुआ, ठीक है, इन प्रोसेस द्वारा। देन हम बात करें तो ये क्वेश्चन थोड़ा साफ नहीं दिख रहा, सॉरी, इसको स्किप करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो जो अपन देखें तो जब हम बात करते हैं तो बाजरा में टिप्ट 23 DS से संबंधित है। देन मेज में अपन बात करें तो टी साइटोप्लाज्म मेज से संबंधित है, जिसके कारण सदर्नली ब्लाइट देखने को जनरली मिलती है अपने लिए, ठीक है। देन हम बात करें तो वीट में RHT1 और RHT2 जो जीन है वो संबंधित है वीट से, ये रिड्यूस्ड हाइट 1 और रिड्यूस्ड हाइट 2 है, ठीक है। देन हम बात करें तो जो राइस से नॉरिन 10 संबंधित नहीं है, जो नॉरिन 8 जो रूट राइस से संबंधित है, लेकिन नॉरिन 10 राइस से संबंधित नहीं है। देन हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज डज नॉट इंक्लूड फ्लोरल एबनॉर्मलिटीज, तो कौन सा ऐसा रोग है जिसमें फ्लोरल एबनॉर्मलिटीज देखने को नहीं मिलती हैं। तो हम देखें तो डाउनी मेड्यूल ऑफ मस्टर्ड इसमें जनरली देखने को अपने लिए फ्लोरल एबनॉर्मलिटीज तो नहीं मिलती हैं, ठीक है। देन हम बात करें तो ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा, इसमें क्या हो जाता है, बाजरा ग्रीन जो इन्फ्लोरेसेंस होता है ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है, लीफ स्ट्रक्चर। देन हम बात करें तो वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, तो ये भी जनरली इन्फ्लोरेसेंस को ही वो करता है। देन हम बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मिस्ड, तो पैडी गॉल फ्लाई, तो गॉल मिस्ट डिजीज इसको अपन बोलते हैं, ठीक है, पैडी गॉल मिस्ट, तो इससे क्या होता है, सिल्वर लीफ या ऑनियन लीफ जनरली देखने को मिलती है, तो ये इसी का सिम्टम है। देन हम बात करें तो राइस बग के बारे में, रिपुंजनेंट स्मेल, तो जब हम राइस बग की बात करते हैं तो क्या होते हैं, फील्ड से एक स्मेल आती है, ठीक है, स्मेल। देन हम बात करें तो राइस स्टेम बोरर, तो इसके कारण ब्लैक ईयर्स नहीं बनते, राइस स्टेम बोरर जनरली क्या करता है, वाइट ईयर्स प्रोड्यूस करता है और डेड हर्ट प्रोड्यूस करता है, तो ये सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, राइस स्टेम बोरर प्रोड्यूसेस ब्लैक ईयर्स, ये गलत ऑप्शन है। देन बात करें तो राइस जिग जैक लीफ ऑपर, तो ये क्या करता है, ऑरेंज लीफ प्रोड्यूस करता है, तो जो जिग जैक लीफ ऑपर है वो जनरली ऑरेंज लीफ प्रोड्यूस करता है। देन हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज ऑफ पिजन पी इज ट्रांसमिटेड बाय द एरिफाइड माइट, तो जो कौन सा ऐसा रोग है पिजन पी का, अरहर का, जो कि एरिफाइड माइट द्वारा ट्रांसमिटेड होता है, तो हम बात करते हैं स्टेरिलिटी मोजाइक वायरस है, वो जनरली एरिफाइड माइट द्वारा ट्रांसमिट होता है। देन हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री टू इरेडिकेट प्रिकली पियर ओपेंशिया डेलियाना वीड, तो जो प्रिकली पियर जो वीड है उसको अपने इरेडिकेट करने के लिए ऐसा कौन सा अपन ने वो इंट्रोड्यूस किया है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसमें डिक्टोलोपियस टोमेंटोसस, इसको अपन ने इंट्रोड्यूस किया है प्रिकली पियर के इरेडिकेशन के लिए। देन हम बात करें तो पार्थेनियम हेरिस्टोफेलस, जिसे हम कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं, जो कि कांग्रेस के शासनकाल में भारत में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो इसके कंट्रोल के लिए, ये गाजर घास ही बोलते हैं, तो इसके कंट्रोल के लिए हमने कौन सा बायो कंट्रोल एजेंट उत्पन्न किया, तो वो कौन सा है, जायगोकर्मा पाइक्लोरेटस, जिसे मैक्सिकन वीटल भी बोलते हैं। देन हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोबियल एजेंट इज अ बीइंग कमर्शियली एक्सप्लॉयटेड एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, तो कौन सा अपन किसको बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज़ करते हैं नित्य में से, जैसे हम बात करें तो पेनिसिलिनियम नोटेटम, इसको जनरली एंटीबायोटिक बनाने में यूज़ होता है। देन अपन बात करें तो बैसिलस सबटिलस, तो इसका जनरली नहीं यूज़ होता। देन अपन बात करें ट्राइकोडर्मा विरिडी का क्या होता है, कमर्शियल लेवल पे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। देन अगर बात करें तो बेसिलस का भी यूज़ होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता जितना ट्राइकोडर्मा विरिडी का होता है। देन हम स्क्लेरोटियम रोल्फिसी, तो इसका भी यूज़ नहीं होता। देन हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज मोर वेस्टेज ऑफ हर्बिसाइड बाय ड्रिप, जब हम अल्ट्रा लो वॉल्यूम के जो स्प्रेयर्स होते हैं, मतलब जिनमें बहुत 5 लीटर से बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि जो हर्बिसाइड का होता है उनमें ड्रिफ्ट द्वारा बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है, ठीक है, अल्ट्रा लो वॉल्यूम वाले जो स्प्रेयर होते हैं। देन हम बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल विथ CN रेशियो वाइडर देन 20:31 लीड टू ऑफ सॉइल एन, तो मतलब अगर 20 से लेकर 30 रेशियो 1 तक अगर CN रेशियो है तो उस सॉइल में क्या होगा, तो उसमें क्या होगा, इमोबिलाइजेशन की प्रोसेस देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर
नाइट्रोजन कंटेंट जितना ज़्यादा बढ़ता है उसी के हिसाब से अपने क्या बनता है मिनरलाइजेशन होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा नाइट्रोजन कंटेंट होगा उतना ज़्यादा मिनरलाइजेशन प्रोसेस होती है। तो ये क्या होगा, अगर 20 या 30 रेशियो वन से अगर ज़्यादा रेशियो जा रहा है सी एन रेशियो, तो फिर उसमें क्या होगा, इमोबिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। और अगर 20 या 30 रेशियो वन से अगर कम है तो फिर उसमें क्या होगा, मिनरलाइजेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। देन हम बात करें फॉर शुगर कैन, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर एप्लीकेशन हैज़ टू बी कम्प्लीटेड विथ इन डेज आफ्टर प्लांटिंग फॉर बेटर शुगर कंटेंट इन जूस। जैसे हम बात करते हैं कि जब शुगर कैन जब परिपक्व हो रहा होता है तो उस टाइम पे हम उसमें नाइट्रोजन अप्लाई नहीं करते, क्योंकि उससे क्या होती है, शुगर कंटेंट गिरने लगता है। तो हम अब जब देखें तो हमारे लिए कितने दिन पहले ही शुगर का वो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेना चाहिए, तो वो है करीब 60 दिन तक हमारे लिए, मतलब 2 महीने में हमारे लिए नाइट्रोजन फर्टिलाइजर शुगर कैन को पूरी तरीके से प्रोवाइड करा देने चाहिए, बाद में जनरली नहीं देने चाहिए। देन हम बात करें तो पोस्ट पॉइनिंग ऑफ द फर्स्ट इरीगेशन टू 40 to 45 डेज आफ्टर सोइंग इज ऑलवेज प्रेफरेबल फॉर कॉटन क्रॉप टू प्रिवेंट एक्सेसिव वेजिटेटिव ग्रोथ। मतलब कि अगर 40 से 45 दिन तक हम वो कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए एक्सेसिव वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं होगी जिसके कारण कॉटन में। देन हम बात करें इन फंक्शनल एलिलोपैथी, ठीक है। फंक्शनल एलिलोपैथी क्या होती है, इसमें क्या होता है, प्रिकॉजर इज अ रिलेटेड रिलीज्ड विच इज़ अ कन्वर्टेड इनटू एक्टिव सब्सटेंस बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब इसमें क्या होगा, प्रिकॉजर बनेगा, ठीक है, मतलब एक्टिव तौर पर ये सीक्रेट नहीं होता, जिसको कन्वर्ट करा जाता है, ठीक है, बाद में सब्सटेंस को। देन हम बात करें तो वाटर हार्वेस्टिंग इज डिफाइंड एज द, वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, जल संरक्षण की एक विधि है। तो कलेक्टिंग द एक्सेस रन ऑफ फ्रॉम रेन ऑन द फार्म इन पॉन्ड्स एंड यूटिलाइजिंग इट लेटर फॉर एग्रीकल्चर। तो हम जो क्या करते हैं, वर्षा जल को संचित कर लेते हैं और उसको फिर क्या करते हैं, कृषि में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई अपनी क्या, वाटर हार्वेस्टिंग। देन हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ निपिंग इन ग्राम। तो जो चना होता है ना, उसमें पहले भी देखने को मिलता है कि अपने ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता था, जो चने की भाजी तोड़ने को बोलते थे उसको, तो वो इसलिए तोड़ी जाती थी क्योंकि उससे जो लेटरल ग्रोथ है जनरली ज़्यादा हो, ठीक है, साइड ब्रांचेस ज़्यादा निकलें। प्लकिंग द एपिकल बड्स टू प्रमोट ब्रांचिंग, मतलब कोई ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचिंग इसमें देखने को मिले, ठीक है, प्लकिंग द एपिकल, डी ऑप्शन आएगा इसका। देन हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कैच क्रॉप। तो जो तोरिया है वो क्या है, कैच क्रॉप का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देन हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिले क्रॉपिंग सिस्टम। तो रिले क्रॉपिंग में क्या करते हैं, एक साल में करीब 4 क्रॉप लगाते हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक वो करते हो, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो कौन सा होगा, देखो मेज लगा दिया अपन ने, फिर देन पटेटो लगा दिया, देन वीट लगा दिया और देन ग्रीन ग्राम लगा दिया। तो ये क्या होगा, एक रिले सीक्वेंस बन जाएगा, ठीक है। देन हम बात करें टेम्पोरल कॉम्प्लीमेंट्रिटी इन इंटरक्रॉपिंग रिजल्ट फ्रॉम। तो जो टेम्पोरल कॉम्प्लीमेंट्री देखने को मिलती है इंटरक्रॉपिंग में, वो किसका रिजल्ट है, तो वो है द ग्रोथ पैटर्न ऑफ द कंपोनेंट क्रॉप डिफरिंग इन टाइम, ठीक है। अगर टाइम में देखो, टाइम एक टेम्पोरल का मतलब ये होता है टाइम में अगर डिफरेंस आ रहा है तो, ठीक है, तो ग्रोथ पैटर्न, द ग्रोथ पैटर्न्स ऑफ द कंपोनेंट क्रॉप डिफर इन टाइम। देन हम बात करें इन ड्वार वीट सोइंग डीप इज रिलेटेड टू। जब हम वीट की बात करते हैं तो उसमें जो कोलियोपटाइल लेंथ होती है उसके आधार पर हम उसकी क्या करते हैं, सोइंग की डेप्थ को करते हैं कि कितनी उस पर अपने लिए सोय करनी है, ठीक है, वीट को। देन हम बात करें द कोहेसिवनेस एंड टेंडरनेस ऑफ कुक्ड राइस डिपेंड लार्जली ऑन, मतलब कोहेसिवनेस और जो टेंडरनेस जो अपन राइस को पकाते टाइम देखते हैं तो वो किस पर डिपेंड करती है मेनली, तो वो मेनली डिपेंड करती है द प्रोपोर्शंस ऑफ एमाइलोज एंड प्रोटीन के जो कंटेंट होता है उसके आधार पर ये डिपेंड, द प्रोपोर्शंस ऑफ एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोज ये डी ऑप्शन होगा, ठीक है, सॉरी डी ऑप्शन। कोहेसिवनेस एंड टेंडरनेस ऑफ कुक्ड राइस डिपेंड लार्जली ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। जब हम ब्रीडिंग में भी पढ़ते हैं क्वालिटी ऑफ राइस, तो उस टाइम पे भी इनको बहुत अच्छे से देखते हैं, द प्रोपोर्शन ऑफ एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। देन हम बात करें द कंसेप्ट ऑफ क्यू आई रिलेशनशिप वॉज डेवलप्ड बाय। तो जो क्यू आई रिलेशनशिप कंसेप्ट किसने विकसित किया था, तो वो है अपने बैकेट, इन्होंने बी ऑप्शन, ठीक है, तो इन्होंने इसको विकसित किया था। देन हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मेज्ड। तो कौन सा ऐसा जो ग्रुप है वो करेक्टली मैच नहीं है। देखो हम बात करें फिनॉक्सी एसिड में 2,4,5-T ये सही है। देन हम बात करें तो यूरिया, यूरिया ग्रुप के अंतर्गत जो अपने हर्बिसाइड्स आते हैं उसमें कौन सा, आइसोप्रोटोयूरिन सही है। देन हम बात करें एसिटामाइड,
तो इसमें ब्यूटाक्लोर आता है, ये भी सही है। देन नंबर बात करें तो कार्बामेट्स, कार्बामेट्स में डिनोसेफ ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देन हम बात करें द पॉसिबल लिमिटेशंस इन द इफेक्टिव यूजेस ऑफ एजोला। तो जब हम एजोला का प्रयोग कर रहे होते हैं तो उसमें कौन कौन सी लिमिटेशंस अपने लिए जनरली देखने को मिलती हैं, वो है कि इसमें क्या होता है कि एक तो प्रॉपर एजोला के लिए अपने लिए जब अपन प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो उसके लिए वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। देन इसके बाद अपन बात करें तो इसके लिए ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो इसके लिए समर ज़्यादा सूटेबल नहीं होता, ठीक है। लो सर्वाइवल रेट ड्यूरिंग समर। देन अपन बात करें तो इसकी ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये तीनों प्रॉब्लम इससे संबंधित है। देन हम बात करें ओरिजिन प्लेस ऑफ पोटैटो, पोटैटो का जो उत्पत्ति स्थल है वो कौन सा है, पोटैटो और टमाटर का दोनों का ओरिजिन प्लेस है पीरू, ठीक है। पेरू किस में आता है, साउथ अमेरिका में, ठीक है। देन हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देन हम बात करें, ठीक है, कॉटन अगस्त सितंबर में जनरली सोइंग की जाती है साउदर्न इंडिया में। देन हम बात करें सुगर कैन असाली, तो ये तो पढ़ाई अपन ने शुरू में ही, जुलाई से अगस्त तक इसमें प्लांटिंग करते हैं। देन हम बात करें तो सोयाबीन की जून से जुलाई में करते हैं। तो हम बात करते हैं तो लिंटेल, लिंटेल की जुलाई से लेके अगस्त, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको जुलाई अगस्त के टाइम पर नहीं सो करते। देन हम बात करें सोयाबीन इज ओरिजिनेटेड इन, सोयाबीन की ओरिजिन कहाँ पर हुआ था, सोयाबीन का ओरिजिन हुआ है चाइना में, ठीक है। देन अपन बात करें एट फील्ड कैपेसिटी द वैल्यू ऑफ पीएफ, पीएफ मतलब होता है प्रोटेंज फोर्स, ठीक है। तो जो फील्ड कैपेसिटी पे पीएफ की वैल्यू कितनी होती है, 2.5 होती है। देन अपन बात करें तो सैचुरेटेड सॉइल की कितनी होती है, 0 होती है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे कितनी होती है, करीब 4.2 होती है, इसको आप याद कर लें। एट द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पीडब्ल्यूपी द पीएफ वैल्यू इज़ ए 4.2। देन अपन बात करें द पोर स्पेस इन अ सॉइल हैविंग ए बल्क डेंसिटी ऑफ 1.6 मिलीग्राम मीटर क्यूब एंड अ पार्टिकल डेंसिटी ऑफ 2.62 mg इज, पूछ क्या रहा है, पोर स्पेस कितना होगा, ठीक है। तो एक पोर स्पेस का फॉर्मूला आता है, पोर स्पेस इक्वल टू पार्टिकल डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी डिवाइड बाय पार्टिकल डेंसिटी। तो ये फॉर्मूला, इससे आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। तो आप इसको अप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा करीब आपका 55.7, ठीक है। देन अपन बात करें द अमंग द फॉलोइंग द सेट ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट विच आर ऑब्जर्व एंड एनायंस बाय द प्लांट। इस जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो एनायन के तौर पे ऑब्जर्व, प्लांट के जनरली एनायन के तौर पे ऑब्जर्व होते हैं। देन हम बात करें सबसे पहले ऑप्शंस के बारे में, पहले ऑप्शन के बारे में, तो इसमें देख लो आयरन और मैग्नीशियम ये कैटायन के तौर पे जनरली यूज़ होते हैं। देन अपन बात करें तो इसमें देखें आयरन, जिंक, Zn2+, तो ये ऑप्शन कट हो गया, ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। देन हम बात करें थर्ड ऑप्शन के बारे में, तो पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम तो के पॉजिटिव के तौर पर हमेशा ही ऑब्जर्व होता है। देन बात करें मॉलिब्डेनम भी पॉजिटिव, मैग्नीशियम भी पॉजिटिव, जिंक भी पॉजिटिव, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। देन बात करें बोरॉन, ठीक है, एनायन के तौर पर होता है क्लोरीन, एनायन होता है Cl-, देन मॉलिब्डेनम होता है, ठीक है। देन इसके बाद अपन बात करें फॉस्फोरस होता है, देन अपन बात करें सल्फर H2SO, SO4-2-, तो ये डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। देन बात करें ए फर्टिलाइजर विच सप्लाइज 3 एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, तो ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर है इनमें निम्नलिखित में से कि जो 3 प्लांट न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। सबसे पहले अपन बात करें तो DAP, डाई अमोनियम फास्फेट, देन अपन बात करें तो इसमें नहीं होगा, ठीक है। देन अपन म्यूरेट ऑफ पोटाश, पोटाश S% और पोटेशियम होगा। देन इसके बाद DAP में अपना कितना होता है, 18% नाइट्रोजन और 46% फॉस्फोरस, वो अपना फॉस्फोरस होता है। तो पहला ऑप्शन में दो ही है बस, थर्ड वाले में, सेकंड में दो है। देन अपन बात करें SSP, सिंगल सुपर फास्फेट, इसमें करीब जो अपना फॉस्फोरस होता है 16% होता है। देन अपन बात करें सल्फर 12% और कुछ मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, शायद 18 से 20, क्लियर नहीं बट हाँ इसमें कुछ कैल्शियम भी इसमें पाया जाता है। देन अपन बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 195 का सी आंसर। देन अपन बात करें द एफिचिलेट सूटेबल फॉर एप्लीकेशन टू क्रॉप ग्रोन ऑन एसिडिक सॉइल्स, तो एसिडिक सॉइल में ग्रोप होने वाली क्रॉप्स के लिए अपन कौन सा आयरन चिलेट जनरली एप्लीकेशन अपने लिए करना चाहिए, तो वो होता है FeDTPA, तो जो अपना सी ऑप्शन होगा वो होगा FeDTPA। देन अपन बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर कंटेन वाटर सोल्यूबल फॉस्फोरस, तो कौन कौन से फर्टिलाइजर हैं जो वाटर सोल्यूबल फॉस्फोरस को कंटेन करते हैं, तो सिंगल सुपर फॉस्फेट हुआ अपना और म्यूरेट ऑफ पोटास हुआ, इनमें जनरली वाटर सोल्यूबल फॉस्फोरस होता है।
देन इसके बाद हम बात करें तो स्टेम नोड्यूलेशन कौन सी ग्रेन मेन्योर क्रॉप में पाई जाती है। अगर हम बात करें तो जनरली जो नोड्यूलेशन होती है, ठीक है, जो ग्रंथियाँ बनती हैं वो जनरली रूट्स में देखने को मिलती हैं, बट ऐसी जो अपनी ग्रीन मेन्योर क्रॉप है सेसवेनिया एक्यूलाटा, उसमें क्या होता है स्टेम नोड्यूलेशन भी बनते हैं। ठीक है, मैं बात करें हाइब्रिड राइस फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन फॉर फर्स्ट इवॉल्व्ड इन, कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे सबसे पहले हाइब्रिड राइस बनाया गया था, तो वो है चाइना, जहाँ पे वाई एल पिंग ने सबसे पहले हाइब्रिड राइस बनाया था। ठीक है, देन हम बात करें तो ये हुआ 199 क्वेश्चन, एक 200 और देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें इन टोबैको द बेसिक एम ऑफ टॉपिंग एंड डीसकरिंग इज, तो जो अपन टोबैको क्रॉप रहती है उसमें क्या टॉपिंग और जो डीसकरिंग अपन करते हैं उसका बेसिक एम क्या रहता है, तो उसका बेसिक एम रहता है डाइवर्ट एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम फ्लावर हेड्स टू लीव, तो उसको क्या करना रहता है फ्लावर हेड से लेके लीव की तरफ डाइवर्ट करना रहता है एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट को, तो इसी तरह लिए अपन क्या करते हैं टॉपिंग करते हैं एंड डीसकरिंग जनरली अपन करते हैं। तो ये अपन ने 200 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, इसको आप बार बार रिवाइज करें क्योंकि जनरली जो एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें इससे नेमराज जो अपनी नेमराज सुंडा वो कही और एस आर गांतवा इनसे क्या होता है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जनरली, तो इनको आप बार बार रिवाइज करें। थैंक यू सो मच।